अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तुम लोग को मैं पैंट कटिंग बताने जा रही हूँ। वो भी जो डिज़ाइन बनी रहती है आगे के हिस्से की तरफ। ये अपना कपड़ा है डिज़ाइन वाला, और एक इसमें जो लंबा इधर जुड़ा था उसको मैंने कटिंग करके अलग कर दी हूँ। अब ये देखते जाओ कैसे शुरू करती हूँ। इसको डिज़ाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखो अभी ये फोल्ड कर देंगे। इतना फोल्ड करेंगे जितना पायचा रहेगा और उसमें सिलाई के हिस्से के बराबर। अभी देखते हैं, ये अपना पायचा 8.5 है तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। ये 8.5 तक पायचा लिए और फिर ये कपड़ा हम कटिंग कर देंगे ताकि हम आसानी से इस कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। और उसके बाद उसके साइड में वो जो सादा कपड़ा है उसको रख देंगे। अभी इस कपड़े को जो सादा कपड़ा था उसको भी ऐसे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसके बराबर में हम इसको रख देंगे। ये देखो कपड़ा रख चुका है। और उसके बाद हम निशान देखेंगे कितना निशान लगाना है, कितना लेना है मेजर टेप। ये अपनी इस तरह से लंबाई लेंगे 42 इंच पूरी टोटल लेना है हमें। तो वो डिज़ाइन से हम शुरू किए, 1 इंच यहाँ से शुरू हुआ। अब आते हैं हम 42 इंच, देखते हैं कहाँ होता है। ये अपना यहाँ 42 इंच हुआ। अब इसमें हम नेफे के लिए 2 इंच जमा कर लेते हैं जो लास्टिक लगाएंगे। फिर इधर भी पायचा फोल्ड करने के लिए 2 इंच ले रहे हैं। चलो ये निशान को सीधा कर लेते हैं। और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे प्लास्टिक वाले। अभी ये देखो यहाँ से हम सीट की लंबाई लेंगे। सीट की लंबाई अपनी है 16 इंच। यहाँ से अभी देख लेते हैं, ये सीट की लंबाई अपनी 16 इंच हुई है और 18 2 इंच जमा किए लास्टिक का। चलो इसके से इसको भी सीधा कर लेते हैं। और हमारी घेर है, ये हमारी घेर है 19 इंच। अठारह इंच ले लेते हैं, इसमें कपड़ा उतना ही है क्योंकि थोड़ा ये लूज पहनने वाले लोग हैं इसी वजह से ऐसा बना रहे हैं, नहीं तो ये जो लेते हैं सिप का 4th हिस्सा लेते हैं। चलो ये निशान को भी सीधा कर लेते हैं सीट के। अब यहाँ पे 2 इंच और लेंगे अपनी सेप की निशान लगाने के लिए।
और पाइचा आएंगे हम 7.5 इंच पे। ये पाइचा का 7.5 इंच है और इसमें 1 इंच और जमा कर लेंगे। अब हम यहाँ से स्केल रखेंगे और इस हिस्से की तरफ ऐसे जाएंगे। और फिर इधर से ये हिस्से को इस तरह करेंगे। और फिर इस हिस्से को ऐसा हल्का सा शेप देंगे। ये अपना निशान रेडी है डिजाइन वाला पैन का। चलो इसको कटिंग कर लेते हैं। अब इसको कटिंग कर देते हैं यहाँ से जो निशान लगाए थे बेल्ट की तरफ। इसको काटना बहुत ही आसान है और निशान भी लगाना बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये देखो अपना पैंट कटिंग हो गया है डिज़ाइन वाला। तो इसमें कली ये लग जाएगी पैंट में। अगर ये यहाँ तक कली नहीं आती है यहाँ तक ही लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा लूज पहनने वाले हैं इसीलिए इनको यहाँ से लेना पड़ा है। कपड़ा यहाँ से नहीं हो पा रहा था, डिज़ाइन इधर उधर हो जा रही थी। आप लोग को लेना हो तो यहाँ से ले लेना तो हो जाएगा। उम्मीद है समझ में तो आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, फिर मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आसानी से आप लोग तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।